Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome back to my channel. As you know, you guys must be worried or thinking about your skin. Aapka face jo hai, hamara jo face hai, skin hai hamara, isme se with the passage of time, elasticity khatam ho jati hai. Dark circles, dark spots, wrinkles, fine lines, ye sab kuch ho jata hai. Ab ye sare jo hai na, ye द थिंग दैट हैपन्स टू आवर फेस ऑन आवर स्किन जो हमें ऐसा सा हमारे फेस पे होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता. अगर हम इन चीज़ों का टाइम पे ख्याल रखना शुरू कर दें, ट्रीटमेंट शुरू कर दें, यहाँ पे अपनी स्किन को पैम्पर करना, केयर करना शुरू कर दें, तो हम इन फाइन लाइन्स, इन डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स से बच सकते हैं. अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा होते जाते हैं और फिर हम इनका ट्रीटमेंट नहीं करते. केयर ना करने की वजह से हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन रेटिनॉल यूज़ करके हम इस चीज़ से खुद को बचा सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं तो कम. नो डाउट बूढ़े तो सब होंगे, लेकिन अगर हम अपने केयर स्टार्ट कर दें, अगर रेटिनॉल स्टार्ट कर दें, तो उससे ये होगा कि हम अपने जो है ना एजिंग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत जल्दी हम बूढ़े नहीं हो सकते. और इस प्रोसेस का ये फ़ायदा है रेटिनॉल यूज़ करने का कि आपके फेस पर जो एजिंग के साइंस हैं, जो पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है, हम उसको रोक सकते हैं. और भी बहुत से इसके फाइन लाइन्स से हम बच सकते हैं. बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके. मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी चीज़ बेस्ट है आपके फेस के लिए, कौन सा रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए, एंड देन एट लास्ट मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं. तो यूज़ करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको हार्म भी कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि और से देखें एंड तक. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. Assalamu alaikum, beautiful people. So today I'm going to talk about retinol. हमारी स्किन के लिए जो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो है retinol. और इसके जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं अगर हम इसको टाइम पे यूज़ करना शुरू कर दें अपनी स्किन के लिए. एंड अगर हम इसको अपनी स्किन पे यू नो टाइमली यूज़ करना शुरू कर देंगे, इट विल बी इफेक्टिव एंड इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि ये एंटी एजिंग है. और जो लोग भी अपने 20s में, 25 से अबव हैं, दे शुड स्टार्ट यूजिंग दिस रेटिनॉल. बिकॉज अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने रेटिनॉल सर्च किया या फिर आप यू वांट टू नो अबाउट द रेटिनॉल, दैट मींस यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड आप अपनी स्किन के बारे में सीरियसली कुछ सोच रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद योर स्किन. और रेटिनॉल यूज़ करना thing to do for your skin. मेरे पास जो है रेटिन ऑयल वो इंडीड लैब लेबोरेटरीज वालों का है. इनके रेटिन ऑयल की खास चीज़ जो है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये है कि ये लोग बताते हैं कि इफ़ इट शुड बी यूज एट नाइट और डे टाइम, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं एंड हाउ टू यूज़ इट. ये आईज़ के लिए है जस्ट, और ये फेस के लिए. सो दे हैव शोन दिस, एंड इसको हम डे टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि इन जब आप रेटिनॉल, अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपने शुरू करना है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हाउ टू यूज़ रेटिन ऑयल एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो आप रेटिन ऑयल की एक ऐसी क्वांटिटी वाला लेंगे जिसमें बहुत ही कम, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना हो, जो आपके फेस को फौरन जला दे. तो इस चीज़ पे मैंने बहुत रिसर्च करी थी और मुझे इंडीड लैब्स वालों की ये चीज़ अच्छी लगी थी, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है. डर्माटोलॉजिस्ट भी इसको प्रूव करते हैं. एंड ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो रेटिन ऑयल है, ये जो है डर्मेटोलॉजिस्ट इसको अप्रूव करते हैं. दैट मींस ये बेस्ट है स्किन के लिए, क्योंकि ये टेस्टेड होती है चीज़ें. और इंडीड लैब्स वालों की चीज़ें मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके स्किन के लिए स्किन फ्रेंडली होती है. दूसरी चीज़ ये कि ये रैशेज नहीं करती हैं, हार्श नहीं होती हैं. अब जो ये वाला है रेटिन ऑयल स्किन रीसरफेस, ये जो है ये फेस के लिए है, ठीक है, फॉर फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स. उसके अलावा है इसमें रेटिन ऑयल एंड बेकोच ऑयल, ये चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं. मतलब ये इसके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, देखें. इसकी वार्निंग भी दी हुई है कि जस्ट एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, आइस के अंदर नहीं होना चाहिए. मेरे लिए
लाइंस अगर ये आईज में चले जाए उसके अलावा उसको बताया हुआ है ये इसके फार्मूला के बारे में कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं. इसमें रेटिनॉल है, बेकिजुअल है, पेप्टाइड्स हैं, प्लांट बेस्ड माइक्रोफोर्स हेल्प्स लिवर सॉफ्टर मोर रोबस्ट यंगर लुकिंग स्किन. आफ्टर दैट इम्प्रूव विजिबल साइंस ऑफ एजिंग स्किन एजिंग यूजिंग रेटिनॉल एंड डिलीवर सॉफ्टर स्मूदर एंड विजिबल यंगर लुकिंग स्किन. इम्प्रूव स्किन टेक्सचर यूजिंग ट्री ए ट्री इन वन कम्बिनेशन ऑफ रेटिनॉल. अब इसको मतलब ये जो है ये जो फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला फॉर योर एंटी एजिंग. उसके अलावा स्किन ब्राइटनिंग भी है, यंगर लुकिंग स्किन भी है, अभी यूज़ कर रही हूँ मैं. एंड उसके डायरेक्शन भी दी हुई है कि किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं. नाइटली टू क्लीन स्किन फॉलोड विद अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन एज एम फॉर बेस्ट रिजल्ट्स यूज कंसिस्टेंटली. ज़रूरी नहीं है कि हम इसको रोज़ लगाएं क्योंकि रेटिनॉल को आप रोज़ नहीं लगा सकते, रोज़ लगाना भी नहीं चाहिए इसको. ट्वाइस इन अ वीक आप कर सकते हैं स्टार्ट में, उसके बाद आप अगर ज़्यादा लगाना है तो तीन बार एक वीक में, उससे ज़्यादा नहीं. अब ये देखें ये फ्री फ्रॉम सेंस मतलब इसमें कलोरेंट्स वगैरह नहीं है, परफ्यूम वगैरह नहीं है और इसमें अल्कोहल भी नहीं है, ये चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं है. दे हैव मेंशन्ड एंड ये इसके जस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं सारे. सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं स्किन केयर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द इंग्रेडिएंट्स. आपको देखने चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अगर हम वो देख लें तो उस हिसाब से हमें इजी रहता है हमारी स्किन के हिसाब से कौन सी चीज़ सूटेबल है कौन सी नहीं है, तो हम मैंने उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी इसकी क्योंकि आई लाइक्ड द इंग्रेडिएंट्स. अब ये देखें इस तरह से है ये ट्यूब, इट्स लाइक दिस. इसके अंदर ये कैनेडा की ब्रांड है एंड इट्स बेसिकली कैनेडा फ्रॉम कैनेडा इन डीड लेबोरेटरीज एंड पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन पाकिस्तान में हम ये ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. ये एक वेबसाइट कह सकते हैं, पेज भी है उनका ऑब्सेस ब्यूटी. उनके जो है पाकिस्तान के भी स्टोर हैं तो उनके थ्रू आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं. इसके प्राइस पाकिस्तानी 3000 समथिंग है लेकिन वर्थ बाइंग है क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है. मैं कोई 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ तो इसको आपने ये नहीं कि सारा खा जाना है, एकदम सारा के सारा थोप लेना है अपने फेस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. इसको जेंटली इतना सा बस एक पीस साइज लेना है, जैसे वो थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ तो वो लेना है अपने स्किन पर, आपने अप्लाई कर देना है. ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जब हम इसको लगाएंगे अपने फेस पे. ऐसे ये इसकी पैकेजिंग बहुत कमाल है और ये देखें इसके जो है ना लाइक इसका फार्मूला, इसके बनावट एंड इसके जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो कितना अच्छे से यू नो सेफ है. आई जस्ट लव्ड इट. ये आपने रोज़ सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई करना है, दिन टाइम में नहीं लगाना. ये जस्ट पीएम रूटीन है आपकी. एट नाइट यू आर गोइंग टू यूज़ इट ऑन योर स्किन. पीस साइज मतलब इतना सा, कैसे बताऊँ, जितना एक मटर का दाना होता है ना जैसे, उतना सा आपने क्वांटिटी लेनी है अपने फेस पे लगाने के लिए. रात को लगाना है और दिन टाइम फेस वॉश कर लेना है और दिन में आपने सनस्क्रीन मस्त लगानी है. उसके अलावा मेरे पास रेटिनॉल रीफेस की आई क्रीम भी है. इसको जस्ट आपने आईज़ के मतलब एरिया पे लगाना है, आईज़ के आसपास. इट्स फॉर डार्क सर्कल्स, फाइन लाइंस एंड पफिनेस. तो ये आपके पफिनेस को भी रिड्यूस करती हैं, फाइन लाइंस को भी एंड डार्क सर्कल्स को भी. इट क्लेम्स टू डू दैट. इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी हैं, फार्मूला के बारे में है. इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ काउ feet, smooth skin and reduce visible signs of aging, deliver softer, smoother and visibly younger looking skin direction. Gently pat a small amount around the contour of your eye. Use daily in the PM for optimal results.
ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। होपफुली कर दो भाई। ये वो नहीं कर रहा, क्या बोलते हैं, फोकस फोकस फोकस, कर दिया फोकस। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये इनमें कोई स्मेल कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अल्कोहल फ्री हैं, इनमें सेंस नहीं है। कैन यू प्लीज फोकस दिस थिंग। बड़ी ख़राब कैमरा मेरा। ओके खैर, ये जी इसकी ये है आई क्रीम, देखें ये इसकी बेबी बेबी लग रही है ना, मतलब ये बड़ी वाली है। इट्स फॉर योर फेस एंड दिस इज फॉर योर आईज। तो मैंने साथ ही मंगवाई थी ये दोनों। इनको आपने जब भी यूज़ करना है इसको जस्ट आइस के अराउंड यूज़ करना है, ऐसे पीस इतना सा छोटा सा, मतलब जो जो पम्प निकलेगा ना ऐसे इसमें से, इसको भी ऐसे आप ओपन करेंगे। ये इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है, ऐसे जब इसको ऐसे हम पम्प करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगी बस उतनी ही आपके आइस के अराउंड लग जाएगी और वो ठीक है। उसके अलावा आपने कब यूज़ करना है इनको, पहले अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लेना है फेस को, ठीक है, और उसके बाद आपने इनको फेस पे अप्लाई करना है। फेस को पहले अच्छे से क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है तो वो कर लें, नहीं तो अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आपने ये अपने फेस पे अप्लाई करना है, इसको आइज़ के अराउंड अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, इनको लगाने के बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाएं और सो जाएं। तीसरी चीज़, दिन टाइम आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है, इसको यूज़ नहीं करना दिन टाइम, इसको जस्ट रात में, ठीक है। और अगर आपने अभी यूज़ करना शुरू करना है तो आप बहुत ही माइल्ड किस्म का रेटिनॉल यूज़ करें, ये ना हो कि फटाफट से यंगर लुकिंग स्किन के चक्कर में, प्यारे लगने के चक्कर में इसको ज़्यादा सारा मुँह पे थोप लें, वो भी नहीं करना। और ना ही आपने ये करना ज़्यादा हैवी वाला जो है, जिसमें ज़्यादा 2 point something का वो रेटिन ऑयल हो या डायरेक्ट रेटिन ऑयल ही अपने फेस पे अप्लाई कर लें, वो ज़्यादा हैवी वाला वो नहीं करना, वरना फेस आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने यूज़ किया हुआ है, आई हैव यूज्ड इट, एक्सपीरियंस किया है इसका, और इसका मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहुत ही स्किन फ्रेंडली है और ये बहुत ही हेल्पफुल है, आई क्रीम भी और फेस के लिए भी। आप रेटिन ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे क्योंकि इट्स एंटी एजिंग, इट्स मेक योर स्किन यंगर लुकिंग, इट ब्राइटन्स अप योर स्किन एंड स्किन को, मतलब एंटी एजिंग है, ज़्यादा बुढ़े होने के जो असरात हैं उनसे बचत हो जाती है जल्दी। अगर आप जल्दी यूज़ करना शुरू कर दें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप 30 के करीब हैं तब भी यूज़ करने के सोच रहे हैं तो करना शुरू कर दें, कब कब करेंगे इसको यूज़ करें। और ये वाला जो है इसका ये है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई स्किन लगाने से स्किन बर्न नहीं हुआ, इससे मुझे स्किन की रेडनेस नहीं हुई, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। तो ये बेस्टेस्ट चीज़ है, अगर आप अपनी स्किन को कुछ देना चाहते हैं ना, अपने फेस के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये करें। आई विल हाईली रिकमेंड दिस, यूज़ रेटिन ऑयल, यूज़ इट इन योर PM रूटीन एंड यूज़ योर सनस्क्रीन आफ्टर यूजिंग दिस ओनली इन डे टाइम, यू नो। एंड या दैट्स ऑल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है इसके यूज़ के बारे में या इन किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप किसी की केयर करते हैं और उनको बूढ़े होने से बचाना चाहते हैं, आई मीन बूढ़े तो होना ही होना है लेकिन मतलब थोड़ा अपनी स्किन की केयर करने के लिए, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू लाइक एंड कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करना प्लीज़। Love his. First, I will take the retinol refresh eye cream. I'm gonna show के कितनी quantity में आपको लेना है. ये देखें. ये एक pump से जितनी निकल रही है ना, अभी एक hand से मैं ऐसे ही कर सकती थी. ये. Yeah.
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेड एंड ऑयल अपने फेस पे नहीं अप्लाई करेंगे, तो इतनी क्वांटिटी, इतनी अमाउंट जो है आपके फेस के लिए, ठीक है, जस्ट आईज़ पे आपने लगाना, ठीक है, एक पम्प या दो पम्प आपने अपने इसको लेना है और अपने आईज़ के राउंड अबाउट में लगा लेना है, क्योंकि मैंने ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश किया है तो आई एम फीलिंग सो कोल्ड। लेकिन ये इतनी अमाउंट लेनी है आपने जस्ट फॉर योर आईज, और आईज एरिया के पास पास इसको लगाना है, अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपने बहुत ही सॉफ्टली अपने आईज़ पे अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। आईज़ पे अप्लाई करने के बाद सॉफ्टली बिल्कुल, फिर आपने लेनी है ये वाली पैट्रोना रीफेस, ये आपके फेस के लिए है, ठीक है, ये लेनी, और इसको इतने अमाउंट में आपने लेना है, आई थिंक दिस वुड बी इनफ बिगनर्स के लिए, ठीक है, एक पंप ले सकते हैं अगर दो में नहीं गुजारा तो, इसको लेना है और इसको अपने फेस पे जेंटली अप्लाई कर देना है, ठीक है, इतने से को, और ये इसका टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट सा, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, कोई स्मेल कुछ नहीं है इसका, इट्स जस्ट यू नो आपने जस्ट फेस पे अप्लाई करना है एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर लगा लेना है, और दिन टाइम फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने सनब्लॉक, सनस्क्रीन कुछ भी अप्लाई कर लेना है, अप टू यू।